नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, RPF कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी ऑलरेडी आउट हो चुकी है और फॉर्म भी फिल होना चालू हो चुका है। 15 तारीख लास्ट डेट है, उससे पहले आप सभी लोग जल्दी से जल्दी 4-5 दिन पहले आप अपने फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि साइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप फॉर्म फिल करने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप अभी से, जितने भी मेरे भाई फॉर्म भरना चाहते हैं, अभी से आप फॉर्म फिल कर लीजिए ताकि आपको बाद में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। पहली बात तो ये कि सबसे पहले अपन कोई भी वैकेंसी के लिए अपन फॉर्म डालते हैं तो सबसे पहले हमको उसका सिलेबस मालूम होना चाहिए। तो सिलेबस आप लोगों को पता ही होगा, RPF कांस्टेबल का और इसका सब इंस्पेक्टर का। अगर नहीं पता है तो आप नोटिफिकेशन जाके एक बार चेक कर सकते हो। बाकी मैंने शायद एक वीडियो बनाई भी है, लेकिन उसमें शायद मैंने फिजिकल के बारे में बताया है और थोड़ा बहुत मैंने सिलेबस रिटन टेस्ट के बारे में भी बताया है। बाकी आप एक बार नोटिफिकेशन अगर चेक कर लेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा क्या सिलेबस रहने वाला है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी वैकेंसी, हम जब किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमको उसके प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बारे में 100% जानकारी होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर कितनी कट ऑफ गई। क्या होता है कि एक मोटिवेशन भी मिलता है और अपनी अगर अभी उसके समथिंग समथिंग अगर तैयारी चल रही है, जैसे हम मॉक्स लगा रहे हैं और समथिंग समथिंग हमारे मार्क्स आ भी रहे हैं, तो हमारे को एक मोटिवेशन मिलता है अंदर से और हम अपनी तैयारी को और ज़्यादा अपग्रेड कर देते हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कट ऑफ जो पिछली बार गई थी RPF सब इंस्पेक्टर की, वो ग्रुप वाइज गई थी। और ग्रुप के लिए अभी आप ये, मैं टेबल जो डाल रहा हूँ इसको देख लीजिए, ये ABCDEF 6 ग्रुप्स में बांटा गया था और 6 ग्रुप्स के हिसाब से ही कट ऑफ गई थी। फिजिकल के लिए भी और फाइनल मेरिट भी इन ग्रुप्स के हिसाब से ही गई थी, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई थी फाइनल, वो शायद ग्रुप डी की गई थी, 119 नंबर गई थी 120 में से। आप सोचिए 120 में से 119 पॉइंट समथिंग, मतलब ऑलमोस्ट 120 ही गई थी, 100 आउट ऑफ 100। तो अभी मैं एक एक करके आपको सारी कट ऑफ बताऊंगा। पहले मैं फिजिकल के लिए कट ऑफ बता दूंगा, फिजिकल के लिए कट ऑफ जो ग्रुप वाइज गई थी वो किस तरीके से गई थी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन पूरी वीडियो देखना और आपके लायक जो भी चीज़ हो उसको आप एक बार दोबारा से सुन लेना, कि जैसे आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जिस ग्रुप से आपने फॉर्म फिल किया है वो, क्योंकि मैं इधर ग्रुप वाइज और कैटेगरी वाइज दोनों एक एक करके बताऊंगा। और क्योंकि बहुत सारे ग्रुप हैं, 6 ग्रुप हैं और 6 ग्रुप में हर कैटेगरी को फीमेल कैटेगरी के लिए अलग अलग बताऊंगा, तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। वीडियो को पूरा देखना, ठीक है ना? तो जो फिजिकल के लिए कट ऑफ गई थी मैंने लिख के रखा है, क्योंकि इतनी सारी याद नहीं रख पाऊंगा मैं, इसलिए मैंने लिख लिया है पहले ही। और मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगा वो लगभग बताऊंगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद पॉइंट में भी था कुछ, जैसे मान लीजिए कभी 95.49 गई तो मैं 49 को उठा के 95 बताने वाला हूँ, ठीक है ना? तो वो आप देख लेना। तो जैसे मैं बताऊँ, फिजिकल के लिए कट ऑफ गई थी ग्रुप ए के लिए, ग्रुप ए में जो अभी मैंने जो आपके सामने जो एक टेबल दिया था उसको आप स्क्रीन शॉट लेके आप देख सकते हो, आप देख सकते हो ग्रुप ए में कौन से रीजन आते हैं। तो ग्रुप ए के लिए जो जनरल की मेरिट गई थी वो 94 गई थी मेल के लिए, और वहीं अगर फीमेल की बात करूँ तो 79 गई थी। और OBC के लिए अगर बात करूँ मैं ग्रुप ए के लिए, तो 95 गई थी और वहीं फीमेल के लिए 77 गई थी। और ST कैटेगरी के लिए 85 गई थी और फीमेल के लिए 60 गई थी। SC के लिए 88 और फीमेल के 74 गई थी। ये फिजिकल के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ, जो फिजिकल के लिए कट ऑफ जारी की गई थी। यहीं ग्रुप बी की बात करूँ तो जनरल की 100 गई थी और फीमेल की 87 गई थी, और OBC की 97 गई थी और OBC महिला की 81 गई थी। ST महिला की 85 और ST मेल की 85, ST फीमेल की 64 और SC मेल 90 और SC फीमेल 74 मेरी गई थी। ये ग्रुप बी की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहीं अगर ग्रुप सी की बात करूँ मैं, तो ग्रुप सी में जनरल की जो मेल कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ गई थी वो 94 गई थी और फीमेल के लिए 79 गई थी। और यहीं अगर OBC की बात करूँ मैं, तो मेल के लिए 92, फीमेल के लिए 75 और ST के लिए मेल के लिए 81 और फीमेल के लिए 62 और SC के लिए मेल के लिए 84 और फीमेल के लिए 66। ये ग्रुप सी की है। अब मैं ग्रुप डी की बात कर लेता हूँ, ठीक है ना, जिसमें वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे और नॉर्थ रीजन ये सब आते हैं, ठीक है ना? दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ ग्रुप डी की। जो जनरल की कैटेगरी गई थी, जनरल की जो कट ऑफ गई थी फिजिकल के लिए वो 99 गई थी और वहीं फीमेल के लिए 87 गई थी, और OBC के लिए 97, OBC फीमेल के लिए 84 और ST मेल के लिए 87, ST फीमेल के लिए 72, SC मेल के लिए 88 और SC फीमेल के लिए 72, ठीक है ना? ये ग्रुप डी की है। और यहीं अगर ग्रुप ई की बात करूँ मैं, तो 74 गई थी मेल के लिए और फीमेल के लिए 42, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी OBC के लिए 77 गई थी, यहाँ जनरल से ऊपर गई थी, और महिला के लिए 46 गई थी। और यहाँ पर क्या होता है, OBC का एक अलग रहता है, अलग आरक्षण रहता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा चली गई थी और फाइनल में तो शायद लगी भी नहीं थी यहाँ पर कट ऑफ। और अगर मैं ST के लिए बात करूँ, मेल के लिए 62 गई थी, फीमेल के लिए 40 गई थी, ST के लिए 69 और SC फीमेल के लिए 38 कट ऑफ गई थी। ये फिजिकल के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ। और अब मैं बात कर लेता हूँ एफ ग्रुप की, जिसमें कि RPF SF आता है, जैसा कि MP+ कांस्टेबल में MP SF होता है, उसी तरीके से एक RPSF होता है, जो सशस्त्र बोलते हैं उसको, सशस्त्र पुलिस,
ठीक है ना। तो आरपीएफ में भी होता है एक सशस्त्र पुलिस, उसी तरीके से ये है। तो इसमें फीमेल्स के लिए कोई मेरिट नहीं लगी थी क्योंकि फीमेल्स के लिए इसमें वैकेंसी नहीं थी। तो इसमें मेल के लिए 76 गई थी पहले कट ऑफ, और फिर 87 गई थी ओबीसी के लिए, 76 गई थी इसमें जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 87 और एसटी के लिए 65, एससी के लिए 72। ये फिजिकल के लिए थी। बाकी अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो उसके बारे में बताऊंगा। अभी ये सिर्फ फिजिकल के लिए जो कट ऑफ गई थी वो मैंने बताया है। जैसे कि आप एग्जाम दोगे अगली नेक्स्ट जब रिजल्ट आएगा तो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद जब आपका रिजल्ट आता है जो फाइनल सिलेक्शन आपका होता है उसके बाद मेडिकल होता है। तो वो वाली मेरिट मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा समय नहीं है, अभी फोन आया था आपने देख लिया होगा, तो मेरे को थोड़ा सा जाना है। ठीक है ना, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगर